नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। हम लोग जो टॉप 1000 करंट अफेयर, टॉप नहीं मतलब एपी 1000 से 1500 के बीच करंट अफेयर का जो बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख रहे हैं, उसमें यह आपको आज 500 से 600 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह मुख्यतः अभी एसपीडी को कवर कर रहे हैं, उसके बाद एसपीडी खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे बुक से अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव कवर कर देंगे करंट अफेयर का, ताकि आप लोग का करंट अफेयर छूट नहीं। चलिए तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। 501 क्वेश्चन क्या कहता है? 501 क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और संदूर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा NMSTC लिमिटेड। ठीक है, MSTC लिमिटेड। 502 क्वेश्चन है, हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक्स विधि और ब्रीडी ब्रीडी सॉरी विधि और थ्री डी तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन शुरू होगा? ये अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि और थ्री डी तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन शुरू होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 502 क्वेश्चन का, तो उसका आंसर आपको हो जाएगा पटना एम्स। ठीक है, 503 और क्वेश्चन जो है आपको, एक क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों को में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 503 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 22.09%। ठीक है, 504 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नदी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 505वां क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के 12 बाकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपये मुआवजा देने की घोषणा किए हैं? ठीक है, ये आपको बिहार के निवासी होंगे जिनकी होंगे लोग जिनकी मृत्यु हो गई होगी। ठीक है, तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा आपको 2 लाख रुपए, कोई खास नहीं, चलिए कोई खास क्वेश्चन हाई भी नहीं। 506 क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन जो है आपको 506 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। प्रत्येक जिला के सदर अस्पताल में दीदी की रसोई नाम की योजना चल रही है, जिसको जीविका दीदियों के द्वारा अस्पताल के रोगियों और उनके परिजनों को खाना मुफ्त में नहीं लेकिन कम राशि लेके अधिकतम मतलब न्यूनतम राशि लेके आपको यह सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, चलिए, तो दीदी की रसोई गोपालगंज में उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन कौन किया? नीतीश कुमार। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 507वां क्वेश्चन, हाल ही में पटना कॉलेज के मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.8 लाख रुपए की निकासी की गई है? ठीक है, ये भी कोई खास क्वेश्चन है नहीं, इसका आंसर जाएगा सी, गुजरात। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 508वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया? कोई खास क्वेश्चन नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन, जितना फालतू मान सकते हैं मान लीजिए, 27.50 करोड़ रुपया। ठीक है, 27,050 करोड़ रुपया। नेक्स्ट आते हैं 509 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए का प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 509 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 400 करोड़ रुपया। ये भी क्वेश्चन कोई खास नहीं है। ठीक है, पटना में मेट्रो बन रहा है जो लगभग 31 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 510 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया है? तो ये आंसर हो जाएगा बिहार, कौन है? बिहार। 511 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 511 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंध पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल है? ई संबंध पोर्टल है। ठीक है, वर्तमान में बताए कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, ये आप लोग को जानकारी होना भी चाहिए और क्वेश्चन अच्छा भी है। ठीक है, तो विजय चौधरी है बिहार के शिक्षा मंत्री।
592वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले के निवासी रमण राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। तो रमण राज जो है ये किस जिले से संबंधित है, तो इनका इनका आंसर हो जाएगा आपको भागलपुर जिला से संबंध रखते हैं अपना। ठीक है, किस जिले से संबंधित है, तो भागलपुर जिला से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कोई खास क्वेश्चन है नहीं। 593 क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की सॉरी विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार में भी पहला नाट्य विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ बनेगा, तो पटना में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 594 क्वेश्चन, उपेक्षा और पिछड़ापन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है। ये किताब का नाम है, ठीक है, कि उत्तर भारत का संकल्प, पूरा किताब का नाम क्या है, उपेक्षा और पिछड़ापन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भी, तो इसके आपको लेखक है शंभु शरण श्रीवास्तव। कौन लिखे हैं, शंभु शरण श्रीवास्तव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 515 क्वेश्चन, हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों की पढ़ाई होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हो जाएगा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 594 क्वेश्चन, क्या कहता है, तो 516 जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले ने निवासी और सीआरपीएफ सेकेंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलरी अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया। किस जिले के निवासी है ये मयंक कुमार। ठीक है, तो ये जो है किस जिले के निवासी है, तो इनका आंसर हो जाएगा आपको डी, दरभंगा जिले के निवासी है। नेक्स्ट आते हैं 517 क्वेश्चन, हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है, वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं। एक क्वेश्चन याद रखिए, जानना भी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए, तो नालंदा जिले के ये भी निवासी हैं। चलिए 598 क्वेश्चन, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक, 1000 रुपया आपको नामांकन शुल्क रखा गया था मुख्य पद के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 519 क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, ऑपरेशन खुखरी। ठीक है, तो ये जो है 519 क्वेश्चन है, तो 519 क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आपको ए और बी डी दोनों, मतलब फागुन चौहान और जगदीश धनखड़ दोनों के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में 520 क्वेश्चन, हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए हैं, वर्तमान में बिहार के कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं। कोई खास क्वेश्चन है नहीं, फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3। ठीक, चलिए 521 क्वेश्चन, हाल ही में घोषणा के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिले के 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे। ठीक है, ये भी फालतू क्वेश्चन है, इसको भी याद मत रखिएगा, लो नहीं पूछेगा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 11 जिला। नेक्स्ट आते हैं 522 क्वेश्चन, बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में सघन दस्त नियंत्रण पछवाड़ा का आयोजन किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिया जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 523 क्वेश्चन, क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपको है, हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2021 में बिहार का नया स्थान क्या है। ठीक है, आप लोग अनुमान लगाइए क्या है। इसके आंसर हो जाएगा सबसे अंतिम। ठीक, चलिए 534 क्वेश्चन, क्या कहता है, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किया गया मोबाइल एप्स का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा आपको चलो एप्स। कौन सा एप्स है, तो चलो एप्स है। 525 क्वेश्चन,
2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों के जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी होगी। क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए इसका आंसर आपको होगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4 लाख रुपया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 526वां क्वेश्चन। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान अभियान के तहत गंगा उदाह योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि की मंजूरी की गई है। फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फालतू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 918 करोड़ 58 लाख, इस एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, गंगा उदाह जो योजना है किस जिले समेत है। ठीक है, तो गया, बोध गया, राजगीर और नवादा, ये 4 जिले हैं, उनको गंगा का पानी उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, वही यही है गंगा उद्धार योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, पांच सौ सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को जन्म पर चिकित्सा खर्च वहन करेगी, यह कितने बच्चे तक मान होगा। ठीक है, यह कितने बच्चे तक मान होगा, तो इसका आंसर देगा 2 बच्चे तक। नेक्स्ट आते हैं 528वां क्वेश्चन। कोरोना के तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एम्स पटना। नेक्स्ट आते हैं 529वां क्वेश्चन। कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया है जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जितना विवेक करना है कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सहरसा। ठीक है, 530वां क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो लगभग मैं आपको 12 या 13 जिले को नक्सल प्रभावित जिले से मुक्त किया गया है, जिसमें एक हमारा पूर्वी चंपारण भी है। ठीक है, और आपको बहुत सारे जिले हैं, उनका डाटा आपको मंथन बुक पढ़िएगा, वहां पे मिल जाएगा। हमको याद नहीं है कि आप लोग को हम इस वीडियो में बताएं, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मतलब मुजफ्फरपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, वैशाली और भी जिले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 531वां क्वेश्चन। 531वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में जारी एक आंकड़े के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, याद कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रथम स्थान। मशरूम उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है। वाह, क्या डाटा है, सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हाँ बिहार में खेती का, कृषि का नेचर बदल रहा है। ठीक है, चलिए 532वां क्वेश्चन। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। 13 जिले। मस्ट मस्ट भी गई, दोनों क्वेश्चन मस्ट मस्ट भी गई, 531 और 532, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक मिनट दोस्तों, हाँ एक मिनट, 531वां क्वेश्चन। ठीक है, 531वां क्वेश्चन, 532। चलिए 533वां क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया है। बिहार सदन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है, किस जिले में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 534वां क्वेश्चन। हाल ही में बिहार सरकार ने SDO प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी आदि की पदों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 35%। ठीक, चलिए 535वां क्वेश्चन। वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है, उनकी आपको जब राम संजीवन ठाकुर 15 साल की शायद आई थी, तभी जेल में गए थे, 6 माह जेल में रह के आए थे। 536वां क्वेश्चन होते हैं। हाल ही में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको
दिलीप कुमार को। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 537 में क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राशन देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की है। इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन है? ठीक है, अंतिम जिला कौन है? तो इसका आपको जो आंसर हो जाएगा वो होगा बेगूसराय। नेक्स्ट आते हैं 539 नंबर। किस मद और बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राशन खर्च किए जाते हैं? किस मद पर बिहार सरकार द्वारा सबसे अधिक आपको खर्च किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा सामाजिक सेवा पर। लगभग 60% राशि खर्च कर दी जाती है बिहार सरकार की सामाजिक सेवाओं पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम आप लोग 539वां क्वेश्चन। तो 539वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता और केला की खेती करने वाले किसान को अनुदान दिया जाएगा? ठीक है, ये कौन कौन खेती है? तो आम है, अमरूद है, पपीता है, केला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 540वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई एश से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो ये आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने। ठीक है, चलिए 531वां क्वेश्चन। यास तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी? ठीक है, ठीक, कौन सा तूफान है? तो यास तूफान। ठीक, ये क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, मतलब कितने करोड़ की राशि दी जाएगी ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। तो ये 131 करोड़ रुपये की मुआवजा दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं 542वां क्वेश्चन। हाल ही में बिहार मद निषेध इकाई फॉर्मूला के अनुसार जिस जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक मिलेगा? ठीक है, रेटिंग जारी किया जा रहा है शराब पकड़ने के लिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 542 का सी नंबर, कोई खास क्वेश्चन है नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 543वां क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है, इस सूची में भागलपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, 543वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 544वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए कितने स्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया है? किसने किया है? आपको बिहार की प्रमुख न्यूज जो पेपर है उनके द्वारा इस कार्यक्रम को चालू किया गया था, तो कौन है उसमें देखिए? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आपको दैनिक जागरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 545वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई है? ये भी फालतू क्वेश्चन है, जितना फालतू आप लोग समझ जाइए उतना है। डागर अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 546वां क्वेश्चन। शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण का काम शुरू किया गया है? 546वां क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी, 10 जगहों पर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 547वां क्वेश्चन। अब बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा, इसकी शुरुआत किस जिले से की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा जिला से। कहाँ से किया जा रहा है? शेखपुरा जिला से। नेक्स्ट आते हैं 548वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 548वां जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप्स में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ देने की घोषणा किया है? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 549वां क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जिले में बंद कितने कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है? ये क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 702 कैदी। नेक्स्ट आते हैं 550वां क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना चाहिए, वीवीआई क्वेश्चन है, जितना वीवीआई करना है उतना वीवीआई कर लीजिए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपको
19.5%। लेकिन ये 19-20 का है और 20-21 का रिपोर्ट आ चुका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में, जिसको हम वीडियो तुरंत लाने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो लाए थे, लेकिन अब रजनीश कुमार का बुक आ जाता है तो उसी बुक से हम कवर कर देंगे, क्योंकि उस बुक को हम पर्याप्त मानते हैं। ठीक है, चलिए 551 में क्वेश्चन, ये जो है आपको, हाल ही में बिहार के कितने किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई है। ठीक है, हाल ही में बिहार के किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई है, 551 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, 551 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 552 नंबर क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन जीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं 553 क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया है, इसका संबंध किससे है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का संबंध बिहार में किन से संबंध है, तो जयप्रकाश नारायण से है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 554 क्वेश्चन, हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जरदालू आम भेजे गए हैं, जरदालू आम को जीआई टैग कब मिला था। ठीक है, भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जरदालू आम भेजे गए, तो जरदालू आम जो को जीआईटी कब दिया गया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, रफली आप लोग याद रख सकते हैं, वैसे बीबीआई उतना नहीं है। ठीक है, तो ये 2008 में इनको जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं 555 क्वेश्चन, क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का स्थान क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको दूसरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 556 क्वेश्चन, क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 556 क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 11 जून। ठीक है, चलिए इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 557 क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, शाहनवाज हुसैन है, जो आपको बीजेपी पार्टी से है, के अनुसार बिहार के किस जिले में चामड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, 598 क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में चावल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ। ये 19-20 का डाटा है, 20-21 का डाटा पढ़िएगा लोग, वैसे बदलता नहीं है, लगभग में सेम ही रहता है। अब आ गया तो आप लोग याद, इसको छोड़ दीजिए, नहीं बताएंगे। ठीक है, आप लोग 20-21 का डाटा पढ़िएगा, 19-20 का नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार वाला पढ़िए लोग, हम पढ़ा देंगे उसको, 2-4 दिन 5 दिन रोकिए लो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 559 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला 10% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना है बिहार का। ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जितना अच्छा क्वेश्चन इसको मान सकते हैं उतना अच्छा क्वेश्चन जहानाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 560 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन उचित नहीं है, बस मुजफ्फरपुर से लीची कहाँ भेजा गया, लंदन भेजा गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब कितने किसानों को सम्मानित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आंसर हो जाएगा 4। ठीक, 561 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंटों पर मुहर लगाया है। 561 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 10। ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट आते हैं 562 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत कहाँ से करने जा रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पटना से, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी, पटना से किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आपको 563 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 563 नंबर क्वेश्चन जो है वो है सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसके किसकी रचना है। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है, 563 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ए, विजय कुमार चौधरी। ठीक, 564 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ना 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 ना, फालतू क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है, सॉरी फालतू क्वेश्चन है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए 564 का आंसर हो जाएगा जल सत्याग्रह। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, 555 क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित 132 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है, इसके लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, फिल्म भी शायद इस पर बना है, विनोद कपारी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद कपारी। इस मतलब पुस्तक पर मूवी भी बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं 566 क्वेश्चन। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर कितना जुर्माने का प्रावधान है? 566 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10,000 रुपया जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 567 क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवादी निरोध दस्ते को सौंपा गया है? ये क्वेश्चन भी कोई खास क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जान लीजिए पक्का होगा। 568 क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया है जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? बहुत ही ज्यादा चर्चा में विधेयक रहा था, बहुत ही ज्यादा चर्चा में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। नेक्स्ट आता है 559 क्वेश्चन। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री में बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया गया है? ठीक है, तो वित्त मंत्री रहते हैं सदस्य, तो वित्त मंत्री भी कौन है? तारकिशोर प्रसाद सिन्हा है, तो यही उसका आंसर भी हो जाएंगे। चलिए 570 क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन है आपको, हाल ही में बिहार के बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया गया? ठीक है, बिहार से बहरीन किस प्रजाति का आम का निर्यात किया गया? ठीक है, तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जरदालू आम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 561 क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ए, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 572 क्वेश्चन। साइकिल गर्ल्स के नाम से मशहूर जयती के पिता का हाल ही में देहांत हुआ है, वे किस जिला से रहने वाली है? वो किस जिला के रहने वाली है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, जानना भी चाहिए, तो दरभंगा जिला की रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 573 क्वेश्चन। हाल ही में NHPC ने 130.1 मेगावाट की डगमरा जो कोसी नदी बनने वाला है जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बिहार में बनेगा तो बिहार के साथ समझौता करेगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 534 क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? 574 क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, 574 का आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, सी हो जाएगा बिहार। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 575 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 575 क्वेश्चन। हाल ही में IRDI की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों को कोविड इलाज हुआ है? ठीक है, कितने लोगों को कोविड इलाज हुआ है आयुष्मान भारत योजना के तहत? 575 क्वेश्चन जो है उसके अनुसार आपको 19 लोगों का इलाज हुआ है, फालतू क्वेश्चन है। चलिए 576 क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल हुई? किस देश में यह नियम का उल्लंघन उन्होंने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बहरीन में इन्होंने कोविड-19 का उल्लंघन किया था। 577 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे दिया है? मतलब बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वाले की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे दिया है? 577 क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क फोर्स को दिया गया यह जिम्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 578 क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6,006 करोड़ टीका शुभारंभ किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, इसको जान लीजिए, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 21 जून को शुरू किया गया है, विश्व आपको योग दिवस मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 578 में क्वेश्चन, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है, ठीक है। 5-7 नंबर में क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 3 लाख रुपए इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं 580 रुपए नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी मार्च 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पर रहा, देखते हैं भाई जरा कौन सा जिला है। 580 नंबर क्वेश्चन, तो ये पूर्णिया जिला है, ठीक है। चलिए 580 नंबर क्वेश्चन, अब 581 नंबर क्वेश्चन है, 581 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन करता है, बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 को से की जा रही है, इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन है, सबको पता है रूस, ठीक है। चलिए 582 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ किया है, तो ये आपको असम बिहार सरकार ही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 583 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, को भूटान से हर महीने 10 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है, मतलब चनपटिया मॉडल जो है को भूटान से, मतलब भूटान सरकार को 10 टन प्रेशर कुकर सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया है, और चनपटिया मॉडल का संबंध किस जिला से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 583 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, बेतिया पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट आते हैं 584 क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा कितने माह का विस्तार किया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 584 क्वेश्चन का वो हो जाएगा 3 माह कि इनके सेवा का विस्तार किया गया, फालतू क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 585 क्वेश्चन क्या करता है, ये क्वेश्चन है आपको कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा, मतलब बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा, 585 नंबर क्वेश्चन करता है, तो इसके आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों को बिहार में कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। 586 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे, बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे, 586 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 76 ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। 587 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में ग्रिड कनेक्टिविटी रूफ टॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20 मेगावाट अब कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं 588 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 588 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपको पटना हाईकोर्ट के हाल ही निर्णय के अनुसार पंचायत जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में संशोधन हुए तो इसका आप लोग याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 बार, मतलब पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आप ला सकते हैं, मात्र एक बार, ठीक है। पहले था कि 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, और वो प्रत्येक मतलब 1 साल एक बार ला दिया गया 2 साल के बाद मान लीजिए, तो उसके 1 साल के अंदर नहीं लाया जाएगा, उसके बाद 1 साल के बाद आप लोग ला सकते हैं, ऐसा प्रावधान था, मतलब अधिकतम 4 बार प्रस्ताव आ सकता था, ठीक है, लेकिन अब एक ही बार आएगा पूरा कार्यकाल में। 589 क्वेश्चन क्या कहते हैं, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रेवल टेस्ट की शुरुआत हुई है, किस जंक्शन पर ट्रेवल डेस्क की शुरुआत की गई है, 589 क्वेश्चन कहता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना जंक्शन। 590 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस कर्मी को फिट बनने की योजना तैयार किया है, तो ये बिहार हो जाएगा, बिहार के पुलिस कर्मी को देखते ही है, नौकरी नहीं लगता था तो बहुत मेहनत होता है, और नौकरी जैसे लगा कि खा पी के आपको मोटा हो जाएंगे लोग, ठीक है। चलिए ठीक 591 क्वेश्चन, GST के रन में IT चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार किस राजनेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया, तो GST को जो है उसमें आपको वित्त मंत्री ही रहते हैं हमेशा, तो वित्त मंत्री ही रहेंगे तारकिशोर प्रसाद, यही बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 592 क्वेश्चन,
हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बन गए हैं? जरा जानते हैं इनके बारे में, कौन है भाई? तो इसके आंसर हो जाएगा पवन कुमार जायसवाल। वाह क्या बात है, ढाका क्षेत्र के पूर्वी चंपारण में विधायक हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं 593 क्वेश्चन। हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य का उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी, सुरेश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट आते हैं 594 क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस जिले के 3 युवाओं छात्रों ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर हिमाचल प्रदेश पता किया है? यह चोटी किस राज्य में है? ठीक है, माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर पता किया, यह चोटी किस राज्य में है? ठीक है, जब हाल में चोटी किस राज्य में है, किस जिला में है? क्योंकि तो हाल ही में बिहार के किस जिले का अच्छा ई क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउंट फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप जो चोटी है वो तो हिमाचल प्रदेश में है, लिख किया है, लेकिन किस जिले के छात्र लोग हैं जो इसको चढ़ के उस पर विजय हासिल किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो क्वेश्चन आपको उतना खास इंपोर्टेंट है नहीं, नालंदा जिले में कि तीनों छात्र थे। ठीक है चलिए 595 क्वेश्चन। हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, पुरस्कारों की सूची में बिहार के कितने स्मार्ट सिटी शामिल किए गए हैं? 595 क्वेश्चन है, तो 595 का क्वेश्चन रहेगा टी, एक भी जिला इस मतलब एक भी आपको स्मार्ट सिटीज में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 596 क्वेश्चन, क्या कहता है? हाल ही में किस जेल की बंदियों को के हुनर को तलाशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया गया है? 596 क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा दरभंगा मंडल कारा। ठीक 597 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? ठीक है, ये आपको 33% है। अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। 598 क्वेश्चन, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गया जिला। नेक्स्ट आते हैं 599 क्वेश्चन, क्या कहता है कि किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चंद्रन सिंह का निधन हो गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कहलगांव। ठीक है नेक्स्ट आते हैं 609 क्वेश्चन, क्या कहता है? तो 609 क्वेश्चन कहता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ये रिपोर्ट जारी करता है बेरोजगारी संबंधित हमेशा। ठीक है, इस संस्था का नाम याद रखिएगा, बेरोजगारी से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। 2021 में मासिक रिपोर्ट आता है, तो मासिक रिपोर्ट को याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, जारी किए गए डाटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? ठीक है, इस डाटा को आप याद मत कीजिएगा, मासिक रिपोर्ट जारी करता है हमेशा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 11.5%। ठीक चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में 600 से 700 क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को।